हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा ब्लेज 5G फ़ोन है, तो लावा ब्लेज 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अलार्म्स वगैरह को आप बंद कैसे कर सकते हैं, अलार्म्स को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं अपने लावा ब्लेज 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं लावा ब्लेज 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं लावा ब्लेज 5G फ़ोन में, और अलार्म बंद कैसे कर पाएंगे लावा फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे जिसमें से आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे और अलार्म को भी सेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जाते हैं तो अलार्म्स को ऑफ़ कर पाएंगे। सिंपली बस इनको ऑफ़ कर देना है और अलार्म्स आपके फ़ोन में ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ऑफ़ करके भी अलार्म्स को ऑफ़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। एंड आप देख सकते हैं कि जैसे आप अलार्म्स को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करते ही अलार्म टाइमिंग आपके फ़ोन में हट जाएगा, जो शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से अलार्म टाइमिंग को भी आप डिलीट कर सकते हैं और हटा सकते हैं। कुछ इस तरीके से डिलीट कर पाएंगे, डिलीट पर क्लिक करते अलार्म टाइमिंग आपके फ़ोन से हट जाता है। तो इस तरीके से भी अलार्म्स को ऑफ कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि आप अलार्म्स को सेट करना चाहें तो सेट भी कर सकते हैं टाइमिंग को लगा के। इस तरीके से अलार्म आपके फ़ोन में सेट हो जाता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अलार्म को बंद कर सकते हैं अपने लावा ब्लेज 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।